अब हाँ हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कंपाउंड एंगल सो सेकेंड क्वेश्चन है इफ साइन अल्फा इक्वल टू 15 अपॉन सेवेंटीन कॉमा पाई बाय टू लेस दैन अल्फा लेस दैन पाए It means angle lies between 90 degree and 180 degree and cos beta is equal to minus 4 upon phi. For this angle lies between pi less than beta less than 3 pi by 2, means angle lies between 180 degree and 270 degree then find a part sine of alpha minus beta b part cos of alpha minus beta and c part टन ऑफ अल्फा माइनस बीटा नाउ लेट सी दोल्यूशन सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं साइन अल्फा से गिवन साइन अल्फा इक्वल टू फिफ्टीन अपॉन सेवेंटीन कॉमा पाई बाय टू लेस दैन अल्फा लेस दैन पाए इट मींस Alpha lies in the second quadrant and for second quadrant silver, silver means sine theta and its opposite cosec theta, they are only positive. So, therefore sine alpha and कोसेक अल्फा आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर नेगेटिव तो यहाँ पर साइन अल्फा का वैल्यू हमें गिवन है सो वी यूज आइडेंटिटी रिलेटेड टू साइन दैट इज साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर अल्फा इक्वल टू वन देअर साइन अल्फ़ा की वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं फिफ्टीन बाय सेवेंटीन द होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस कॉस्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू वन देरफो फिफ्टीन का स्क्वायर हो गया टू टू फाइव अपॉन सेवेन्टीन का स्क्वायर हो गया टू एटी नाइन प्लस कॉस्क्वेयर अल्फा इज इक्वल टू वन

अपॉन टू एटी नाइन देअरफो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू अब नाइन माइनस फाइव फोर एट माइनस टू सिक्स सो वी गेट सिक्सटी फोर अपॉन टू एटी नाइन उसके बाद टेकिंग स्क्वायर उट ऑन बोथ साइड सो वी गेट कॉस अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 upon 17 but alpha lies in a second quadrant and for second quadrant sin alpha and cosec alpha are positive so therefore in this case cos alpha must takes value negative so therefore cos alpha इज इक्वल टू माइनस एट बाय सेवेंटीन सब अब हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू है कॉस अल्फा की है तो हम इजीली बाय यूजिंग ट्रिगो फॉर्मूला टैन अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं देयर फो टैन अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा

हम स्टार्ट करते हैं कॉस बीटा से ये हमारा सेकेंड गिवन है दैट कॉस बीटा इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन फाइव एंड फॉर दैट एंगल बीटा लाइज बिटवीन पाई लेस दैन बीटा लेज थ्री पाई बाय टू सो इट मीन्स दे फॉर बीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट

ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रिलेटेड टू द कॉस फंक्शन सो दैट साइन स्क्वेर बीटा प्लस कॉस स्क्वेर बीटा इज इक्वल टू वन अब हम इसमें वैल्यू रिप्लेस करते हैं देयरफो साइन स्क्वायेर बीटा प्लस कॉस स्क्वायेर बीटा को मैंने रिप्लेस किया माइनस फोर अपॉन फाइव द ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू वन देन ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग वी गेट साइंस स्क्वायर बीटा प्लस अभी फोर अपॉन्ट फाइव का स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा सिक्सटीन अपॉइन्ट ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू वन देयर फो साइंस स्क्वायेर बीटा इज इक्वल टू वन माइनस सिक्सटीन अपॉइट ट्वेंटी फाइव देअर फो साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव देयर फो साइंस स्क्वायर बीटा इक्वल टू ट्वेंटी फाइव माइनस सिक्सटीन दैट गिव्स यू नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव उसके बाद टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स गेट साइन बीटा इक्वल टू प्लस माइनस थ्री अपॉन फाइव But as we mentioned that beta, beta lies in the third quadrant, and for third quadrant tan and cot they are only positive trigonometric ratio, and therefore, in present case sin beta must be negative. So, therefore, we write sin beta equal to minus 3 upon 5. अब हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू है एट द सेम टाइम साइन बीटा की भी वैल्यू है सो बाय यूजिंग दैट टू वैल्यूज वी कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ टैन बीटा सो टैन बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा सो दैट इक्वल टू साइन बीटा की वैल्यू है माइनस थ्री अपॉन फाइव एंड कॉस बीटा की वैल्यू हमें गिवन थी माइनस फोर अपॉन फाइव सो वी कैंसल फाइव फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड माइनस सैन अल्सो सो वी लेफ्ट विथ ओनली थ्री अपॉन फोर सो देर फो वी गेट वैल्यू टैन ऑफ बीटा इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर सो अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन दैट ई पार्ट साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा तो यहाँ पे साइन ऑफ ए माइनस बी का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वी गेट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी सो सिमिलरली ऑन सेम लाइन साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा देन माइनस कॉस अल्फा इनटू साइन बीटा सो इज़ इक्वल टू साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास थी 15 अपॉन सेवेंटीन इंटू कॉस बीटा कॉस बीटा की वैल्यू थी हमारे पास माइनस फोर अपॉन फाइव देन माइनस कॉस अल्फा की जिसकी वैल्यू थी हमारे पास माइनस एट बाय सेवेंटीन इंटू साइन बीटा साइन बीटा का वैल्यू था हमारे पास माइनस थ्री अपॉन फाइव सो इज इक्वल टू देन फिफ्टीन इंटू माइनस फोर दैट गिव्स यू माइनस सिक्सटी सेवेंटीन इंटू फाइव एटी फाइव देन माइनस ब्रैकेट में माइनस एट इंटू माइनस थ्री कि जिसका आंसर हमें मिला ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी फोर अपॉन सेवेंटीन इंटू फाइव वी गेट एटी फाइव ऑब्जर्व किया है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है सो वी गेट माइनस सिक्सटी माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन एटी फाइव सो इज इक्वल टू माइनस एटी फोर अपॉन एटी फाइव तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब हम देखते हैं उसका बी पार्ट दैट इज़ कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कि जिसका आंसर हमारे पास बाय यूजिंग फॉर्मूला कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी तो यहाँ पे हमें मिलेगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा अब हम उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू रिप्लेस करते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू है माइनस एट अपॉन सेवेंटीन इंटू कॉस बीटा माइनस फोर अपॉन फाइव देन प्लस साइन अल्फा की जिसकी वैल्यू है फिफ्टीन अपॉन सेवेंटीन इंटू साइन बीटा साइन बीटा की वैल्यू है माइनस थ्री अपॉन फाइव सो ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग माइनस एट इंटू माइनस फोर तो उसका आंसर हो गया प्लस थर्टी टू अपॉन सेवेंटीन इंटू फाइव डैट गिव्स यू एटी फाइव देन प्लस माइनस माइनस फिफ्टीन इंटू थ्री फोर्टी फाइव अपॉन एटी फाइव सो ऑन फर्दर सिंप्लीफाइंग वी गेट इज़ इक्वल टू थर्टी टू माइनस फोर्टी फाइव अपॉन एटी फाइव और सप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा माइनस थर्टीन अपॉन एटी फाइव तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दैट टैन ऑफ अल्फा माइनस बीटा सो दैट इज आवर सी पार्ट सो टैन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा सो यहाँ पे हम टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सो टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला है टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए टैन बी सो ऑन सेम लाइन टैन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा उसका हमें आंसर मिलेगा टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा अपॉन वन प्लस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा सो इज़ इक्वल टू टैन अल्फा की वैल्यू है माइनस फिफ्टीन अपॉन एट देन माइनस टैन बीटा की वैल्यू है हमारे पास थ्री अपॉन फोर अपॉन वन प्लस माइनस फिफ्टीन अपॉन एट इंटू थ्री अपॉन फोर अब नोमा में अगर ऑब्जर्व किया तो एट एंड फोर ये जो नंबर है डिनोमिनेटर में है सो वी टेक एट या वी कैन गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लाई सिंपली सो माइनस फिफ्टीन इंटू फोर सो दैट गिव्स यू माइनस सिक्सटी माइनस एट इंटू थ्री ट्वेंटी फोर अपॉन एट इंटू फोर थर्टी टू देन टोटली डिवाइड बाय वन देन प्लस माइनस माइनस then 15 थ्रीजा फोर्टी फाइव अपॉन एट इंटू फोर थर्टी टू अब डिनमिनेटर में भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सो नोमरेटर का हमें आंसर मिलेगा माइनस सिक्सटी माइनस ट्वेंटी फोर तो टोटल हो गया माइनस एटी फोर अपॉन थर्टी टू अपॉन डिनोमिनेटर में क्रॉस करेंगे सो वी गेट थर्टी टू माइनस फोर्टी फाइव अपॉन थर्टी टू so on further simplifying numerator -84 upon 32 or denominator may 32 minus 45 that gives you -13 upon 32 so we cancel 32 from denominator and also we cancel minus sign from numerator and denominator so we get is equal to 84 upon 13